वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेज ऑफ इकोनॉमिक्स. डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कवर्ड द टॉपिक ऑफ फीचर्स एंड एग्रीकल्चर स्टेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ इकोनॉमिक्स, वी आर गोइंग टू कवर द फर्दर चैप्टर ऑफ दिस बुक. We will cover the topics in today's lecture: industrial sector on the eve of independence and foreign trade. This lecture will deal with industrial sector on the eve of independence as well as foreign trade. Now, my dear students, industrial sector. Basically, systematic deindustrialization was the term जो industrial sector को describe करती है during British rule. मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो देयर वॉज प्रॉपर सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डन. मीन्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिल्कुल वैनिश करने की, फिनिश करने की सोच ली थी एंड दे वर डूइंग. वाई? टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटीरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ताकि वो इंडिया के जो रॉ मटीरियल्स की वेल्थ है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वेल्थ है, उसको एक्सप्लॉइट कर सके. एंड टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन, और ताकि वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके एज अ पोटेंशियल मार्केट. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज. अब सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकला? दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर डिक्लाइन एंड देयर वॉज massive unemployment in the whole country. जब हमने handicraft को decline कर दिया, handicraft industries को decline कर दिया, so automatically there was massive unemployment, right? Now, poor state of industrial sector is highlighted by 2 points. अब 2 points की help से हम country की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी पुअर स्टेट को हाईलाइट कर सकते हैं. नंबर 1, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. अगर हम ब्रिटिश रूल को ही मानते हुए बात करें तो हैंडीक्राफ्ट इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी. इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था उसकी एक्सेलेंस के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए, लेकिन ब्रिटिश राज ने इसको डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दिया. और मेन रीज़न क्या था, किस वजह से आपका जो हैंडीक्राफ्ट था वो डाउनफॉल में आया? द मेन रीज़न वॉज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स वर हैविंग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. व्हाट वॉज दैट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? दैट द टैरिफ इम्पोज्ड ऑन ब्रिटिश गुड वॉज वेरी नॉमिनल, वेयर इज द टैरिफ इम्पोर्ट्स ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वॉज वेरी हाई. Sometimes तो crossing the cost of the product. So this was the main reason of decay of handicraft. Next, what was discriminatory tariff policy? This I explained you कि discriminatory tariff policy means tariff free exports of raw material from India by the British. जो export होगा raw material India से British के लिए उस पर कोई tariff नहीं होगा. टैरिफ फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन टू इंडिया. इंडिया में जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो भी टैरिफ फ्री होंगे, बट इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. लेकिन जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होंगे उन पर हम हैवी ड्यूटीज़ को इम्पोज करेंगे. दिस वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स. एज अ कॉन्सिक्वेंस ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग द शेयर इन इंडियन मार्केट. और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनको हल्के हल्के इंडियन मार्केट में शेयर गेन होना स्टार्ट हो गया, एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर शेयर इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन फॉरेन मार्केट. और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसका शेयर हल्के हल्के डोमेस्टिक मार्केट में और फॉरेन मार्केट में कम होना स्टार्ट हो गया. हैंडीक्राफ्ट के डिके की वजह से ही, ड्यू टू डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, द रिजल्ट्स फॉर इंडिया. Many more factors contributed to the decay of handicraft. और भी बहुत सारे factors हैं जिनकी वजह से handicraft का decay हुआ, such as tough competition from machine-made products.
अब आप ब्रिटिश के मशीन मेड प्रोडक्ट्स को अगर आप इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, सो देयर विल बी नो साइन ऑफ कंपैरिजन। चेंज डिमांड पैटर्न ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन कंज्यूमर्स का डिमांड पैटर्न भी अब हल्के हल्के चेंज होने लगा था। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश राज में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सिर्फ एक ब्लीक ग्रोथ मिली। इट वॉज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century के सेकेंड हाफ में था जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ने अपनी इमर्जेंस दिखाना स्टार्ट करी। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को शो करती हैं, जैसे इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। पहले कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स को सेटअप किया गया। कॉटन मिल्स को वेस्टर्न इंडिया में लोकेट किया गया, बेसिकली महाराष्ट्र गुजरात में, और जूट इंडस्ट्रीज़ को सेंट्रलाइज किया गया बंगाल में, जहाँ से पूरा कंट्रोल फॉरनर्स का हो सके। अगर हम 12th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करें, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री केम अप एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 में टाटा दैट इज टिस्को वॉज स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सीमेंट पेपर शुगर इंडस्ट्री इज ऑल्सो कमिंग अप। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री दे ऑल्सो स्टार्ट फ्लरिशिंग इन इंडिया। कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं थी। Now, contribution of new industrial sector in the gross value added remain extremely low. अभी भी जो economy में gross value added था new industries का, that was extremely low. State participation भी बहुत ज़्यादा limited था। Railways का restrictions था, means of communication थे नहीं, और ये सब बातें थी जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक्सपेंशन ईजली नहीं हो पाया। इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटल तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया था। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में बस एक ब्लीक ग्रोथ शो हो रही थी और कैपिटल गुड्स वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब वो होकर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट कम्स योर फॉरेन ट्रेड। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड का मीन्स होता है ट्रेडिंग विद फॉरेन कंट्रीज। नाउ दिस टॉपिक विल हाईलाइट द कंडीशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑल्दो वी आर नोइंग दैट इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, हम एक्सपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट टू एन एंड। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने से ये सब कुछ लगभग खत्म होने लगा। व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ इंडिया डेट टाइम? वी वर नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल के नेट एक्सपोर्टर्स थे और फिनिश गुड्स के हम इम्पोर्टर्स थे। ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ की इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज थी कि इंडिया जो था वो नेट एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, एंड इंडिया बिकेम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और इंडिया क्या बन गया? फिनिश गुड्स का नेट इम्पोर्टर। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पे देयर वॉज द मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल का मीनिंग होता है बेटा सिंगल कंट्रोल, एंड दैट सिंगल कंट्रोल ऑन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। मीन्स ब्रिटिशर्स वर टोटली कंट्रोलिंग इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। लगभग 50% से ज़्यादा का जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो किससे था? इट वॉज विद ग्रेट ब्रिटेन। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, जो हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स मंगाते थे, दैट प्रोवाइड्स अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। उसकी वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को एक ह्यूज मार्केट मिलता था। Surplus trade but only to benefit the British government. Yes, this is true that there was a surplus trade. अगर हम foreign trade की बात करें, so there was a surplus trade in India, but that surplus trade was only to benefit the Britishers. उसका Indians को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, that was only benefiting the Britishers. The surplus was going largely to the export of primary good, which is a sign of economic backwardness. सरप्लस जो था वो बेसिकली एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स में था,
जो एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का साइन है. एंड सरप्लस ट्रेड वॉज देयर बट देयर वॉज नॉट दैट मच. द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो ट्रेड सरप्लस थी, मीन जो हमको फॉरेन ट्रेड से सरप्लस हो रहा था, जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे थे उससे जो हमको सरप्लस हो रहा था, उस सरप्लस को कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री की ग्रोथ में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट यूजिंग. ऑल्दो दे वर जस्ट यूजिंग इट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. और जो भी एक्सपेंसेस वॉर से होते थे वो उन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए उस सरप्लस ट्रेड को यूज़ किया जाता था. नो सरप्लस ट्रेड वॉज एडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो माई डियर स्टूडेंट, दिस लेक्चर कवर्स योर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉरन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू.